अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे भुर्जी पाव। भुर्जी पाव ये एक फेमस स्ट्रीट फूड है मुंबई की। भुर्जी मतलब स्क्रैम्बल्ड एग होता है। अंडा भुर्जी बनाने के कई तरीके हैं, पर यहाँ घर में ही पड़े मसालों से झटपट से बना लेंगे अंडा भुर्जी पाव। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये है इनके इंग्रेडिएंट्स, बनाती रहूँगी साथ ही आप लोग को बताती जाऊँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, उसमें 1 टीस्पून जीरा और एक छोटा टुकड़ा अदरक को चॉप्ड करके और हरी मिर्च 4 से 5 बारीक चॉप्ड करके डाल के फ्राई करेंगे। 4 नॉर्मल साइज़ के ऑनियन लेके बारीक चॉप्ड कर लिया है, उसे डाल के अब 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें ऑनियन को ट्रांसलेंट करना है हल्का गुलाबी कलर बस। मैंने ये अंडा भुर्जी 4 से 5 लोग के लिए बनाया था, इसीलिए यहाँ मैंने 7 अंडे लेके उसे एक बाउल में तोड़ लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अब 4 से 5 मिनट बाद ही जैसा ऑनियन हमें चाहिए था हो गया है। अब इसमें 3 टमाटर चॉप करके डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के पाव भाजी मसाला। ये सब डाल के टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। पाव भाजी मसाले से भुर्जी पाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्ट्रीट स्टाइल जैसा। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम कसूरी मेथी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया की पत्ती भी साथ ही डाल देंगे और 1 टेबलस्पून बटर डाल के 2 मिनट मसालों को फ्राई कर लेंगे। धनिया की पत्ती मसालों के साथ जब पकती है तो मसालों का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब इस पॉइंट पे हम अंडे डाल के हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से चलाते चलाते पकाएंगे कि अंडे स्क्रैम्बल्ड होता रहे और मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। स्क्रैम्बल्ड आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी ला सकते हो, बड़े बड़े चंकी पीसों में या फिर छोटे छोटे पीसों में भी ला सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। यहाँ हमें भुर्जी पे जब तक ब्राउन मार्क्स ना आ जाए तब तक इसे हम स्क्रैम्बल करते रहेंगे। और एक बात, इसे आप कवर करके ना पकाए और अंडा भुर्जी बनाते वक्त छोड़ के ना जाए, अंडा बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आप लोग को गिल्ला गिल्ला अंडा भुर्जी पसंद है तो इस पॉइंट पे आप गैस की फ्लेम बंद कर दें, या फिर ड्राई लाइक दानेदार पसंद है तो 2 से 3 मिनट और पका लेंगे इसे। बस 2 से 3 मिनट के बाद ही जैसा हमें चाहिए था अंडा भुर्जी बनके तैयार है। भुर्जी पाव है तो पाव को हम एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून बटर डाल के पाव को सेक लेंगे। बटर पाव भुर्जी जब आपने सर्व करना हो तभी तुरंत पाव को सेक लें। इस तरीके से भुर्जी पाव बना के देखिए, मुझे यकीन है आपको और आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। अब अंडा भुर्जी पाव को हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से अंडा भुर्जी आपको कोई भी स्ट्रीट या फिर रेस्टोरेंट में मिलेगा मुंबई में या फिर इंडिया में कहीं भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग सीक्रेट रेसिपी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।